पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोगान ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से 2020 में हुई बेइज्जती का बदला ले लिया। पुतिन और अर्दोगान ने ईरान की राजधानी तेहरान में मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात से पहले पुतिन के साथ ऐसा कुछ हुआ जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यूक्रेन पर हमला करने के बाद करीब 5 महीने से पुतिन अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों के सामने सीना तान कर खड़े हैं। कड़े आर्थिक प्रतिबंध और धमकियां भी उन्हें झुका नहीं पाई। उन्होंने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी उसी की भाषा में कई बार जवाब दिया, लेकिन तेहरान में तुर्की के राष्ट्रपति ने उनके साथ जो किया उससे पूरी दुनिया में पुतिन की खिल्ली उड़ गई। असल में पुतिन और एर्दोगान को ईरान की राजधानी में सीरिया के मसले पर चर्चा करनी थी, और पुतिन अपने इस अहम दौरे के लिए एक रोज पहले ही ईरान पहुंचे थे। वहां उन्हें ईरान के राष्ट्रपति के साथ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से भी मुलाकात करनी थी, और एर्दोगान से मिलने के लिए पुतिन बड़ी शान से उस कमरे में पहुंचे जहां दोनों को सीरिया के मसले पर बात करनी थी। पुतिन तेजी से चलते हुए वहां रखी कुर्सियों के पास पहुंच गए। इसके बाद दोनों हाथ बांधे खड़े पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का इंतजार करते नजर आए, लेकिन करीब 20 सेकंड बीत जाने के बाद भी एर्दोगान वहां नहीं पहुंचे। इस दौरान पुतिन काफी असहज दिखाई दिए। उनका चेहरा बता रहा था कि एर्दोगान की ये हरकत उन्हें जरा भी पसंद नहीं आई। इस बीच कमरे में मौजूद फोटोग्राफर लगातार पुतिन की तस्वीरें खींचते रहे और पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का इंतजार करते रहे। पुतिन का ये वीडियो खुद तुर्की की न्यूज एजेंसी ने जारी किया। मतलब ये कि इस वीडियो को जारी करके तुर्की ने ये दिखाने की कोशिश की कि उनके राष्ट्रपति ने अपने अपमान का बदला ले लिया, क्योंकि सिर्फ 20 या 30 सेकंड नहीं बल्कि पुतिन ने करीब 50 सेकंड तक एर्दोगान का इंतजार किया, और इसके बाद जब एर्दोगान वहां पहुंचे तो पुतिन उनसे मुस्कुरा कर मिले। हालांकि कहा जा रहा है कि उनकी उस मुस्कान में तल्खी दिखाई दी। इस पूरी घटना को पश्चिमी मीडिया ने एर्दोगान का बदला बताया। असल में साल 2020 में एर्दोगान सीरिया के मुद्दे पर ही पुतिन के साथ चर्चा करने मॉस्को गए थे, लेकिन पुतिन ने उस वक्त मॉस्को में एर्दोगान के साथ जैसा व्यवहार किया था उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, क्योंकि पुतिन के देश में मेहमान बनकर पहुंचे एर्दोगान को करीब 2 मिनट तक उनसे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ा था। जिस कमरे में दोनों की मुलाकात होनी थी एर्दोगान अपने अधिकारियों के साथ उसके बाहर ही एक हॉल में रुके रहे। काफी देर तक इंतजार करने के बाद एर्दोगान वहां बनी एक बेंच पर बैठ गए थे, और करीब 2 मिनट के बाद उन्हें उस कमरे में जाने दिया गया था जहां पुतिन उनसे मिलने के लिए खड़े थे। 2020 का वो वीडियो वायरल हो गया था, और कहा जा रहा है कि एर्दोगान ने तेहरान में मुलाकात के दौरान पुतिन को इंतजार करवा के अपने उसी अपमान का बदला लिया।